हेलो, या गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, व्हाट हैपेंड? नो वन? वेर इज योर फ्रेंड्स आरहा, पॉल, सर्वम? वेर आर योर फ्रेंड्स? ओके, चले, लेट अस स्टार्ट. सो लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस, एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस बोथ. Correct. Now let's discuss about multiplications. Please mute. Mute. Okay, so multiplications. Multiplications of a fraction by a whole number. So कोई फ्रैक्शन है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ होल नंबर. सो वी नो मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेड एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सपोज बोथ आर होल नंबर, सो इट्स अ 3 रिपीटेड 4 टाइम्स एडिशन. करेक्ट. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मीन्स 3 रिपीटेड 4 टाइम्स. दैट मीन्स 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 12. सो सेम डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी विल यूज while multiplying a fraction with a whole number. For example, multiplying half by 3. So it is half multiplied by 3. That means half को 3 times repeated addition करना है. So half plus half plus half plus, that means all are like fraction. So it means we will add the numerator. So 1 plus 1 plus 1 by 2, that means 3 by 2. ये हो गया सिंपल डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशंस. बट सपोज इट्स अ हाफ मल्टीप्लाई बाय 210, तो फिर ये 210 टाइम्स एडिशन कहाँ करने बैठेंगे? सो इसलिए क्या होगा, what we will do, when we want to multiply a fractions with whole number, so numerator of fractions multiplied by whole number, that becomes numerator, and denominator fraction का जो, तो वो denominator में रहेगा. फिर उसके बाद simplest form में लेके जाएंगे. For example, multiplying half by 3 is, इसका मतलब न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शंस कौन है, तो कि 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज द न्यूमरेटर, बाय डिनोमिनेटर रिमेन सेम, दैट इज द 2. सो 3 बाय 2, 3 बाय 2 को फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, 1 1 बाय 2, बिकॉज 3 बाय 2 इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन, हाफ 1 1 बाय 2, 1 हाफ. नेक्स्ट, मैं एक दो समझा देता हूं, फिर आपको करना है. से मल्टीप्लाई 5 बाय 9 बाय 15. तो 5 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 15, न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज अ न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शंस जो है उसका डिनोमिनेटर रखेंगे, दैट इज 9. नाउ विल सिंप्लीफाई. सो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, सो इट इज कैंसल. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में हम लोग डिवीजन कर सकते हैं, द वैल्यू रिमेन सेम. सो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, दैट मीन्स नाउ न्यूमरेटर में क्या आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, या 5 मल्टीप्लाई 5 5 बाय 3,
which is 25 by 3. 25 by 3 is an improper fraction. Numerator is bigger than denominator. So convert to mix. So 8 threes are 24. 25 minus 24, that is 1. So 8, 1 by 3. चलिए ये आप कीजिए मल्टीप्लाई 3 5 बाय 6 बाय 8 चलिए 1 मिनट नॉट मोर देन 1 मिनट डू इट सो फर्स्ट कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें कि 5 बाई 6 इंटू 8 फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे डोंट डू दैट अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे ऐसा मत कीजिएगा कि 3 इंटू 5 बाई 6 इंटू 8 ये 3 5 by 6 is not equals to 3 into 5 by 6. So 3 into 5 by 6 is 15 by 6. जबकि ये क्या है? 6 3 is 18, 18 plus 5. So that is 23 by 6. दोनों अलग अलग है. So 3 whole 5 by 6 is not equals to 3 into 5 by 6. Don't do that mistake. So जब भी multiplications division करना है mixed fraction का, first we will convert to improper fractions. उसके बाद ही next जो भी करना है वो. So what is the answer? क्या आंसर है सर्वम विश्वास पॉल आरहा हाँ व्हाट इज द आंसर सिक्स इंटीजर फोर अपॉन सिक्स तो इसके बीच में कुछ नहीं हो सकता क्या टू बाई थ्री सिक्स फोर बाई सिक्स थोड़ा चलेगा सिक्स इंटीजर फोर बाई सिक्स थोड़ा चलेगा फोर बाई सिक्स में तो सिंपलेस्ट फॉर्म है विश्वास व्हाट इज द आंसर सो फर्स्ट यहां पे 23 इज अ न्यूमरेटर 23 by 6 तो उसमें 23 is a numerator तो 23 multiply by 8 करो so it is 23 multiply by 8 by 6 फिर उसके बाद simplify करो 23 multiply by 8 दोनों के बीच में multiplication है by 6 yeah Ara what is the answer 15 इंटीजर 15 इंटीजर 2 बाई 6 ये 2 बाई 6 को कुछ नहीं कर सकते क्या करो ना भाई 1 बाई 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाओ सो 15 2 बाई 6 इज नॉट एक्सेप्टेड 15 1 बाई 3 इज एक्सेप्टेड करेक्ट बट यहां पे आप देखो यहीं पे सिंपलेस्ट करो ना यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्या 23 इंटू 8 बाई 6 डोंट वी हैव एनी कॉमन फैक्टर हाँ हाँ तो ठीक है ना 1 बाई 3 इज द राइट आंसर बट यहीं पे करो ना आप लोग 6 तक क्यों जा रहे हो ये देखो ये 8 इज अ इवन नंबर 6 इज अ इवन नंबर तो दोनों में दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है क्या क्या है
टू है, तो फिर उसको डिवाइड करो ना एक दूसरे को, 8 को डिवाइड करो 2 से तो 4, 6 को डिवाइड करो 2 से तो 3। अभी कोई कॉमन फैक्टर है क्या डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर के बीच में? इज 23 डिविजिबल बाय 3? नो, देन लिव इट। तो 23 इंटू 4/3, नाउ मल्टीप्लीकेशन, 23 मल्टीप्लाई बाय 4, हाउ मच? 23 फोर जा 23 फोर जा 92, सो 92/3 इज अ प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन? तो नो, इट्स इम्प्रॉपर। तो कन्वर्ट टू मिक्स, 92 को डिवाइड करो 3 से, तो कन्वर्ट थ्री। ये आप लोग, आप लोग कैसे आया ये आपका वो 20 मिनट? सो आपका 15 1/ या 2/6 कैसे आया था? तो आपने क्या किया, क्यों ऐसा हुआ? नहीं, पर यहां पे आपने 8 को 4 से डिवाइड किया तो 6 को भी करना पड़ेगा ना, फिर 6 कैसे आएगा? अदरवाइज 23 इंटू 8 करो, 23 8 जा क्या है, सो 23 8 जा 184/6। चलो ये भी आप गलत क्यों करते हो, सपोज आप यहां पे हो तो इसको आप लिखो इक्वल्स टू 184। सर्वम, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एंड आई विल सेंड यू। हाँ, यू म्यू, यू स्विच ऑफ योर कैमरा। सो 184/6, नाउ 184/6 है तो इसको फिर डिवाइड करो 184/6, तो 6 3 18, 4 बैलेंस, सो इट इज 0, सॉरी, हाँ 4 बैलेंस करेक्ट। यहां पे 0 0 4 को लेके आए तो 6, तो यहां पे 0 आएगा, देयरफॉर इट इज 30, देन 6 4, फिर चाहे तो 30 होल, इसके बीच में 2/3, तो 30 होल 2/3 ऐसे आना चाहिए। करेक्ट, क्यों गलती कर रहे हो? बट वो वहां तक क्यों जाने का, हमें यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो ना, कॉमन फैक्टर है तो। देन 23 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 92/3। नाउ देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 30 होल 2/3 करेक्ट। एनी क्वेश्चन? चलिए एक और करते हैं, 4 2/3 इंटू 9, लेट अस डू इट। फोर फोर होल
2 by 3 into 9. Tell me the answer. So first, you have to convert this mixed fraction into improper fraction. चलो प्लीज या जो भी आए वो तुम ओके क्या फर्क पड़ता है. सपोज टू सपोज हाँ जस्ट वन सेकेंड सपोज ओके सपोज 2 by 3 into 3 करेंगे तो क्या होगा 2 into 3 by 3 सो 3 3 कैंसल्स 2. तो इसको एडिशन में भी लिखेंगे 2 by 3 plus 2 by 3 plus 2 by 3 सो 3 इज द एलसीएम सो 2 plus 2 plus 2 तो 6 by 3 मीन्स 2 तो हो सकता है उसमें कुछ नहीं है. चलिए ओके लेट मी चेक. सो फर्स्ट इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 4 3 12 12 plus 2 14 by 3 into 9 सो 3 3 9 So it is 4 3 are 42, 14 3 are 42. That's the answer. Correct. Chale, now let's go for multiplication of fraction by fraction. Yani dono fractions hai. To simple. Usme kya karenge? Multiplication of dono ka numerators ko numerator mein multiply karenge aur denominator mein denominator ko multiply karenge. For example, let's multiply 7 by 10 with 5 by 10, or 5 by 21. So, 7 is a numerator of first fraction, 5 is a numerator of second fraction. So, dono ka multiplication is numerator mein. 10 is a denominator of first fraction, 21 is the denominator of second fraction. So, dono ka multiplication is denominator mein. Now we'll see, is there any common factor? यहाँ पे कोई common factor है 7, 5, 10, 20. Yeah, 7 and 21. Please understand. Suppose ये कुछ ऐसा होता 5 into 10 by 3 into 9. तो कोई common factor है क्या? So we have to see common factor between numerator and denominator, not among. ये दोनों के बीच में नहीं देखना है. Suppose 5 into 10, तो yes, ये दोनों के बीच में common factor 5 है, ये दोनों के बीच में common factor 3 है, but उनके बीच में नहीं देखना है. We have to find out the common factor among the numerator and denominator. That means 5 with 3 and 9. 10 with 3 and 9, yeah, 3 with 5 and 10, 9 with 5 and 10, something like that. What cross? यहाँ पे क्या cross multiplication है? आपको common factor देखना है between numerator and denominator. जैसे ये 5 into 10 by 3 into 9. ये दोनों के बीच में तो कॉमन फैक्टर है 5, बट उसका क्या करेंगे हम लोग, कोई मतलब नहीं है हमें तो डिविजिबल. इसका मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन बार का मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. इज लाइफ चेंजिंग? हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके, स्लाइड चेंज हो रहा है क्या? yeah?
अभी कौन सा स्लाइड दिख रहा है? 5 × 10 वगैरह कुछ दिख रहा है? हेलो, इज इट? ये जो मैंने लिखा है एन बाई डी पेन से लिखा है वो दिखता है कि नहीं दिखता है? ओके चलो, सो न्यूमरेट फ्रैक्शन का मतलब है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इसका मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिविजिबल करना है, डिवाइड करना है। सो इसका मतलब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर उसके बीच में डिविजिबल है, डिविजन करना है। तो फिर हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में कॉमन फैक्टर देखेंगे, नहीं कि न्यूमरेटर्स में एंड डिनोमिनेटर्स में। करेक्ट? अदरवाइज ये ऐसा मत करो, 5 × 10 और 3 × 9 ऐसा मत कर देना भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी यहां पे कॉमन फैक्टर पहले किसके बीच में है? सेवन वन जा सेवन, सेवन थ्री जा 21, उसी तरह 5 × 1 = 5, 5 × 2 = नाउ न्यूमरेटर में कौन बच गया? तो 1 × 1। डिनोमिनेटर में कौन बच गया? तो 2 × 3। सो आंसर इज 1/6। चलिए लेट अस डू दिस, 5/6 × 9/10। चलिए आप लोग कीजिए, 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट। What is the answer? 3/4, not 3/4, 3/4. चलिए 5/6 × 9/11, so 5 × 9, यहां पे आप अपॉन बोलो चलेगा, बिकॉज 5 × 9 एंड नीचे जो है बार के नीचे 6 × 10, प्लीज अंडरस्टैंड ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, बट ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शंस को बाय से ही बोला जाएगा। आप 5 × 9/6 × 10 बोलेंगे चलेगा, अपॉन बोलेगा तो भी चलेगा, बट 5/6 बोलेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं है। फ्रैक्शंस को हमेशा बाय से बोला जाता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बाय डिवाइडर डिनोमिनेटर। ये 5 × 9/6 × 10 यस, ये फ्रैक्शन नहीं है, उसको बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फ्रैक्शन को कभी भी अपॉन मत बोलो। वो आपके टीचर ने उतना ध्यान नहीं दिया है, उतना क्लैरिटी नहीं है इसलिए। चलिए नेक्स्ट, 5 × 9/6 × 10। नाउ विल फाइंड आउट दी कॉमन फैक्टर। सो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। देन उसके बाद 6 और 9 के बीच में है, करेक्ट, 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। सो नाउ इट इज न्यूमरेटर में 1 × 3/2 × 2, विच इज इक्वल्स टू 3/4, दैट्स द आंसर। नेक्स्ट चलिए ये कीजिए, 7 whole, 1/12 by 8/15, नॉट मोर देन 2 मिनट्स।
Okay, what is the answer? Yeah. म्यूट कर दो। ओके चलो सर्वम आंसर इज वन इंटीजर 5/9। बाकी लोग का क्या है आंसर? वन इंटीजर 5/9। बाकी लोग का क्या आंसर है? इसको इसको ऐसे भी मत लिखो, हाँ ऐसे ऐसे भी मत लिखो कि वन छोटा 5/9 का बड़ा साइज। इट शुड बी लाइक दिस, वन बिगर 5/9 के इंडिविजुअल छोटे होंगे साइज, बट 5/9 मिला के वन से बड़ा होगा। ये सब या थ्री इंटीजर 11/15। ओके चलो बाकी लोग का आंसर। कितना? 9-0। ये इसको आप रिड्यूस क्यों नहीं करते? 0-0 उड़ाओ ना। हाँ, थ्री इंटीजर 7/9, 9/7 तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो तो 9/7 तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। थ्री होल 7/9, सो आरहा एंड विश्वास। चलिए लेट अस चेक, 7 होल 1/12 मल्टीप्लाई 8/15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 होल 1/12 को मैं कन्वर्ट करूंगा मिक्स फ्रैक्शंस टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, तो 12 7s आ गए। या पर इज इट? बाकी सब लोग को ठीक है? कैसा है? ओके चलिए, सो 12 7s आ 84+1 That is 85/12 into 8/15. Now, numerator ka multiplication. So 85 multiplied by 8 upon 12 multiplied by 15. So 17 5s are 85, 5 3s are 15. Fir, aur koi hai factor? To yes. 4 2s are 8, 4 3s are 12. So the answer is now 17 multiplied by 2 upon 3 multiplied by 3. Now there is no factor. So it is 34/9. Therefore it is 3 7/9. क्या ऐसी 3 11/15 कैसे आया? क्या गड़बड़ गया? सर्वम वन हाँ।
7 × 12 कहाँ है? हाँ, ओके, 84, 85 की जगह पे 84 किया। अच्छा, ओके, चलो ठीक है। बट ये ऐसा अभी ये तो श्रिया को समझ में आता है, तुम क्या करती हो फिर? श्रिया इज इन थर्ड स्टैंडर्ड, वो कन्वर्ट कर लेती है फिर। आप लोग कैसे गलती करते हो? डोंट डू द रिपीटेड मिस्टेक नाउ, सच मिस्टेक्स इज नॉट एक्सेप्टेबल। सर हम क्या गलती किया? 1, 4, 5/9। मैं तो करो ना, मैंने तो ना इसके बाद क्या किया? 85/12 × 8/15, फिर नहीं, ये यहां से आगे क्या है? सुनो ना, सुनो, नहीं यहां तक तुम्हारा ठीक है, अभी क्या किया आगे बताओ? 12 को मैंने कट किया, फिर 3 किया, फिर 2 किया, फिर 70, 70 कहां से हुआ? 70 कहां से आया? 170 होना चाहिए ना, तो 85 × 2 उससे छोटा हो जाता है क्या? तो क्या 70/45, ठीक है। फिर क्या किया किससे? ओके, बोलो 45। फिर क्या गया? 45 ones, फिर 25। ओके, फिर 75। ऐसा के लिए क्या है? तो ये 85 × 2 70 होता है क्या? तुम गलती कितने करोगे? अभी ये सब गलती एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, आगे जाएगा तो क्या होगा फिर? गलती ये सब थोड़ा हम लोग सुधारते रहेंगे। अगर आपका यहाँ पे कहीं कुछ गलती हो रहा है तो ठीक है, पीछे तो हाँ खेलते रहो तुम सिर्फ उसके साथ। वो ये बनाओ, एलियन बनाओ, फिर जादूगर बनाओ, वो सब बनाओ। तुमको क्या लगता है ये सब मैथ्स इतना आसान है क्या? लेट अस सी, चलो नेक्स्ट। म्यूट म्यूट म्यूट। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई 3 नंबर्स, मीन्स 2 आर मिक्स फ्रैक्शन, 3rd इज प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 6 whole 2 by 3। पर नाउ इज इट ओके? कैन यू हियर मी पल? ओके, चलो 6 whole 2 by 3 × 1, 7/8 × 2/5, करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। डोंट डू एनी मिस्टेक नाउ। मैं सभी का आंसर एक ही चाहता हूं, सबका सेम आंसर आना चाहिए एंड करेक्ट आना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। Please mute. Yeah. अरे 10, सपोज 10 न्यूमरेटर्स, 10 फ्रैक्शन है, तो सारे न्यूमरेटर्स को फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो। सब न्यूमरेटर में लिखो ना,
एक स्टेप इसलिए तो बीच में मैं लिखवा रहा हूं कि बीच में सारे न्यूमरेटर्स विल बी न्यूमरेटर, सारे डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाइड में डिनोमिनेटर में जाएगा। सो सिक्स, या बोलिए। ओके, नेक्स्ट, चलिए लेट अस सी। फाइव, सो इट इज सिक्स होल 2 by 3 कन्वर्ट टू मिक्स, सो 20 by 3 इंटू ए वन होल 7 by 8, सो 15 by 8 इंटू 2 by 5, हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ ना। गुड, तो ओके, प्लीज म्यूट। सो न्यूमरेटर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशंस करेंगे, सो 20 × 15 × 2 upon 3 × 8 × 5। नाउ 5 1s are 5, 5 4s are 20। देन उसके बाद 4 2s, 4 1s are 4, 4 2s are 8। फिर 5 3s are 15, 3 1s are 3 एंड 2 1s are 2, अगेन 2 1s are 2। सो दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट मीन्स 5 by 1, सो आंसर इज 5। करेक्ट, सब लोगों का सही आंसर आया, वेरी गुड। चलिए तो ये था मल्टीप्लीकेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। सी, हमको एक चीज पता है कि म्यूट, हमको एक चीज पता है, ऑफ मीन्स टू मल्टीप्लाई, करेक्ट। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जाम्पल 1 by 4 ऑफ 3, तो इसका मतलब क्या है, 1 by 4 multiplied by 3, दैट मीन्स इट इज 3 by 4, जस्ट नाउ वी लर्न। सेम वे 3 by 4 ऑफ 2 by 3 का मतलब क्या होगा, तो 3 by 4 multiplied by 2 by 3, फिर 3 3 get cancel, 3 1s are, ये दोनों 3 कैंसिल हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 को फिर करो, 2 4s are 2, 2s are 4, सो 2 2, दैट मीन्स इट इज 1 by 2, यानी हाफ। ऑफ का अगर मान लो मिक्स फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ 4 होल 2 by 3, तो सबसे पहले 4 होल 2 by 3 मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हाफ मल्टीप्लाई 14 by 3, दैट मीन्स 14 1 multiplied by 14 न्यूमरेटर में बाय अपॉन या तो 2 multiplied by 3, सो 2 7s are 14, दैट मीन्स आंसर इज 7 by 3। 7 by 3 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसको कन्वर्ट करो 2 होल 1 by 3। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। समझेंगे वर्ड प्रॉब्लम से समझेंगे, बराबर, कि किसी वर्ड प्रॉब्लम में हमें पूछा जाएगा कि भाई हाफ ऑफ इसका कितना, तो कैसे करना है। तो दिस इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड सम वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने कैसे ये मल्टीप्लीकेशन होता है होल नंबर एंड 2 या मोर देन 2 फ्रैक्शंस का कैसे होता है वी लर्न। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशंस। सो वर्ड प्रॉब्लम से समझते हैं। लेट्स से भावेश कैन वॉक 5 होल 2 by 5 किलोमीटर इन एन आवर। सो उसका कुछ स्पीड दे दिया है, एक 1 आवर में ही कैन वॉक 5 होल किलोमीटर 2 by 5 किलोमीटर द फ्रैक्शंस, दैट मीन्स उतना वो चल सकता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 1 होल 2 by 3 आवर्स, सो टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, सो
इसको सॉल्यूशंस क्या होगा, दोनों ये जो दो नंबर्स है 5 होल 2 बाई 3 इज अ वन नंबर इन किलोमीटर, सेकेंड इज 1 होल 2 बाई 3 इज अ सेकेंड नंबर इन आवर्स। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, अगर मुझे इतने टाइम में किलोमीटर फाइंड आउट करना है तो मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो अगर समझ में नहीं आता है तो ये जो वैल्यू है उसका एक चीज याद रखिए, हमेशा एक नंबर रहेगा, वैल्यू रहेगा, वो दिखाता है हाउ मच इज म्यूच, एंड दूसरा उसके साथ हमेशा रहेगा कोई यूनिट, प्लीज म्यूच, दूसरा रहेगा यूनिट, मतलब किसकी बात हो रही है, व्हाट वी आर टॉकिंग। फॉर एग्जाम्पल आरहा, हाउ मच इज योर वेट, KG, सी दी आंसर 41 KG, दैट इज द आंसर। सो 41 क्या है, हाउ मच नंबर है, हाउ मच किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, और फिर दूसरा उसके साथ एक यूनिट है, तो बता रहा है ये जो है 41 KG वो किसी वेट है। करेक्ट, जस्ट वन सेकेंड, या सो 41 KG इज वेट, करेक्ट। दैट मीन्स हमेशा अगर कोई नंबर है तो उसके साथ यूनिट रहेगा, जैसे पॉल आपका हाइट कितना है, वन फाइव जीरो सेंटीमीटर, करेक्ट। सो सेंटीमीटर इज अ यूनिट, 150 इज अ नंबर, सो नंबर इंडिकेट्स हाउ मच, तो 150 से कुछ अंदाजा आएगा, एंड सेंटीमीटर मतलब कुछ लेंथ की बात हो रही है, करेक्ट। जैसे कैपेसिटी किसी का 120 लीटर, तो 120 इज हाउ मच, लीटर मतलब कैपेसिटी की बात हो रही है, फिर उसके बाद 120 इंटू 1000 करूंगा तो मिलीलीटर आ जाएगा, बोथ आर सेम, क्यों, क्योंकि यहां पे यूनिट लीटर है, यहां पे यूनिट मिलीलीटर है, बोथ आर सेम, दैट मींस यूनिट से हमें कुछ अंदाजा आता है, जैसे यहां पे 5 होल 2 बाई 5 किलोमीटर इन आवर, दैट मीन्स ये जो है 5 होल 2 बाई 5 इज किलोमीटर पर आवर, इन एन आवर का मतलब है किलोमीटर पर आवर है ये, यानी एक किलो एक आवर में, सपोज अभी टाइम हो गया 4 PM वो वॉक करेगा, तो 5 PM में वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो हाफ एन आवर में उससे हाफ हो जाएगा, 3/4 आवर में उससे 3/4 हो जाएगा, 1/4 आवर में उसका 1/4 हो जाएगा, करेक्ट। और दूसरा यहां पे देखो 1 होल 2 बाई 3, दैट मीन्स ये 1 प्लस 2 बाई 3 समथिंग है, और भी कुछ है, इसका मतलब क्या है, 1 होल प्लस 2 बाई 3 अनदर प्रॉपर फ्रैक्शन, बट वो क्या है, आवर्स में है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा कौन सा यूनिट में होता है,
यहां से सूरत का आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है? तो इट इज किलोमीटर, डिस्टेंस का आंसर किलोमीटर आएगा। वेट, तो हाँ ठीक है ओके। सो किलोमीटर पर आवर, और मुझे अगर किलोमीटर लाना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय आवर करूंगा तो आवर आवर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? किलोमीटर आपके पास दो लोग है, एक किलोमीटर पर आवर है और दूसरा आवर है, और मुझे चाहिए किलोमीटर, ये मेरा आंसर मुझे चाहिए। तो ये दोनों के बीच में क्या करोगे आप? मल्टीप्लिकेशन। ये आप थोड़ा अभी से स्टार्ट कर लो कैच करने का, ये आपको जिंदगी में बहुत काम में आएगा। अगर अभी से यूनिट को कैच करके उसके बीच में क्या करने का, ये अगर हमें समझ में नहीं आता कि दोनों बीच में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यूनिट को देखो भाई, ये किलोमीटर पर आवर है, ये आवर है, और मुझे लाना है किलोमीटर, मैं क्या करूँ ये दोनों के बीच में? तो भाई मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, आवर आवर कैंसिल हो गया तो मेरा आंसर किलोमीटर आ गया। दैट मीन्स 5, ये किलोमीटर पर आवर कौन है? तो 5 होल 2 बाय 5 मल्टीप्लाई आवर कौन है? तो 1 होल 2 बाय 3, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे जो भी आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। सो वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से भी समझा जा सकता है, फिर आप कर सकते हो कि एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं, डिवीजन करूं। यहां पे तो बहुत आसान है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन करना है बोल दिया। बट जब मैं सारे मिला के आपको दूंगा तब पता चलना चाहिए कि भाई इसमें मैं एडिशन करूं, सब्ट्रैक्शन करूं, मल्टीप्लिकेशन करूं। हाँ ओके गुड। घर को स्कूल के नजदीक शिफ्ट करो या स्कूल को तुम्हारे घर के नजदीक शिफ्ट करो? चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। सो लेट अस फाइंड आउट द आंसर। व्हाट इज द आंसर प्लीज फाइंड आउट? हाउ मच डिस्टेंस भावेश कैन वॉक इन 1 होल 2 बाय 3? क्या है आंसर? ओके, तो सर्वम आंसर इज 7 किलोमीटर। नेक्स्ट टाइम आई होल 2 बाय 3 किलोमीटर, दैट इज द सेकेंड आंसर। ओके, 7 किलोमीटर इज द same answer what Sarvam got. Sarvam, next time onwards शायद आपको लिंक नहीं आएगा अभी। अगर आप लोग आप इस तरह से मस्ती करोगे ना Sarvam, तो तुमको लिंक में नहीं भेजूंगा। मैं लिंक ही नहीं भेजूंगा। यू कैन नॉट ज्वाइन द क्लास देयर बिकॉज माय क्लास डिस्टर्ब होता है, वो मुझे एक्सेप्टेड नहीं है। चलिए, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर इन किलोमीटर, स्पीड क्या है? तो कि 1 आवर में 5 किलोमीटर 2 बाय 5, मतलब 5 होल 2 बाय 5 किलोमीटर्स। Distance covered in 1 whole 2 by 3 hours equals to multiplications of these two. So 5 whole 2 by 5
को मैंने कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 5 5 25 प्लस 2 27/5 मल्टीप्लाई बाय 1 होल 2/3. सो 3 1s are 3 प्लस 2 सो 5/3. सो 27 × 5 / 5 × 3. इट्स ओके. हाँ ठीक है, अभी जो हो गया वो छोड़ दो. तो हाँ हाँ क्यों ऐसा गलती हुआ? या ओके फाइन. चलो नाउ द आंसर इज 9 किलोमीटर. जो यहाँ पे दूसरा मैं आपको एक लेसन सिखाना चाहता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड. जो स्पीड है 5 होल 2/5 किलोमीटर, ये 1 आवर में चल रहा है और आपको निकालना है 1 होल 2/3 यानी 1 + 2/3. 1 आवर तो पूरा है ही, ऊपर से कुछ टाइम. दैट मींस मेरा जो आंसर आएगा वो इससे तो ग्रेटर ही आना चाहिए. 5 होल 2/5 से तो बड़ा आंसर आना ही चाहिए. अगर आपका आंसर ऐसा आ रहा है तो इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए ना कि भाई ये इतना, ये तो हो ही नहीं सकता. आंसर तो 5 होल 2/5 से ज्यादा और काफी ज्यादा आना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप 1 होल 2/3, 2/3 यानी कितना होगा, तो 67%, यानी अभी परसेंटेज भी आप सीखोगे. सो ऑलमोस्ट 1.5 से ज्यादा है, डेढ़ टाइम. तो ये जो आंसर आया उसका 1.5 टाइम्स तो होगा. चलो ये 2/5 में निकाल देता हूं, तो 5 × 1.5 कितना होगा? डेसिमल सीख लिया ना, तो इट इज 7.5. 7.5 से भी ज्यादा आंसर आना चाहिए मोटा मोटा. फिर आप 5 किलोमीटर लेके आ गए तो कैसे हो सकता है, 7 किलोमीटर लेके आ गए तो कैसे हो सकता है? आंसर को चेक भी करो, क्या मेरा आंसर सही है. बड़ा बड़ा देख लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं वापिस पूरा सब कुछ देखो. ऐसे ही नहीं, कुछ भी आंसर नहीं. ये 5 होल 2/3 तो कुछ भी आंसर है, मन में आया बोल दिया 5 होल 2/3. ये क्या, एक 1 आवर में वो तो 5 होल 2/5 तो चल रहा है, तो फिर 1 + कुछ आवर्स में तो उससे ज्यादा ही चलना चाहिए ना भाई. चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट. फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose length and breadth are so and so respectively. Now again, wait. See, ये 16 half क्या है, तो 16 1/2 meter. देखो ये एक वैल्यू हो गया, ये एक यूनिट हो गया मीटर. उसी तरह यानी कोई डिस्टेंस है या लेंथ है, विथ है, हाइट है, ब्रेथ है, कुछ है, तो उसने बोल दिया ये लेंथ है. सो दिस इज लेंथ. फिर यहां पे देखो ये 12 3/4, तो ये कुछ वैल्यू हो गया, ये कुछ यूनिट हो गया, तो ये अगेन डिस्टेंस है, लेंथ विथ ब्रेथ हाइट समथिंग, तो उसको उसने बोल दिया ब्रेथ. करेक्ट. सो लेंथ ब्रेथ किसका कुछ है, तो भाई कुछ रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जो लेंथ है वो मैंने यहां पे लिख दिया, जो ब्रेथ है वो यहां पे लिख दिया. फिर उसको क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए. तो पेरीमीटर का मतलब होता है अराउंड, अराउंड दी फील्ड, अराउंड दी फिगर, अराउंड द शेप, जो भी है वो उसके अराउंड, पैरामीटर का मतलब.
बाउंड्री। तो पेरीमीटर यानी वो जो यूनिट रहेगा वो भी कुछ डिस्टेंस का यूनिट रहेगा, डिस्टेंस, लेंथ, विड्थ, मेजरमेंट। तो उसका जो यूनिट रहेगा या तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, एमएम, इंच, फीट, ये सारे अलग अलग यूनिट है डिस्टेंस में लेंथ के। तो इसका मतलब कि मुझे जो आंसर लाना है पेरीमीटर, यहाँ पे सब मीटर मीटर में बात कर रहे हैं, तो मुझे किस में लाना है, मीटर में लाना। तो मेरे पास एक यूनिट, एक वैल्यू जो है 16.5 मीटर लेंथ है और ये ब्रेथ है वो भी मीटर, तो मुझे मीटर में लाना है। तो ये दोनों के बीच में मैं क्या करूं? मल्टीप्लिकेशंस, अगर मल्टीप्लिकेशंस करूंगा तो मीटर इनटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? वो तो एरिया का यूनिट है। क्या वो एरिया मांग रहा है? मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर करूंगा तो वो तो एरिया हो जाएगा। क्या वो एरिया मांग रहा है? मीटर स्क्वायर तो एरिया का यूनिट है। क्या मांग रहा है वो? नहीं, बट वो क्या मांग रहा है? मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट है। हाँ, तो पेरीमीटर का यूनिट तो मीटर है। दैट मींस ये मीटर इनटू मीटर मत करो, सब यहां पे मल्टीप्लिकेशन कर, न्यूमेरिकल है इसलिए मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा मत बोलो भाई। पेरीमीटर का मतलब हो गया अराउंड, मैंने वापस बोला। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सो टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इनसाइड द ब्रैकेट। वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, टू टाइम्स इनसाइड द ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। इसका मतलब ये दोनों के बीच में मुझे, देखो मीटर मीटर और आंसर मुझे मीटर में लाना है, तो ये दोनों के बीच में मैं एडिशन मल्टीप्ली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ही कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकता। नहीं तो वो तो मल्टीप्लाई किया तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डिवीजन करूंगा तो मीटर मीटर कट जाएगा। जैसे वहां पे था किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और दूसरा आवर था, तो दोनों के बीच में मैंने मल्टीप्लाई किया तो एक किलो आवर आवर कट गया, तो किलोमीटर आंसर आ गया। अगर मैंने यहां पे सेम वे मीटर बाय मीटर किया तो कट गया, ये तो यूनिटलेस हो जाएगा फिर, नो यूनिट। जबकि पेरीमीटर का तो यूनिट होता है डिस्टेंस, लेंथ, आइदर मीटर, सेंटीमीटर, फीट, किलोमीटर, इंच, एमएम, समथिंग। तो इससे भी आपको जज करना आना चाहिए, अदरवाइज यू शुड नो रेक्ट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल्स टू टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखना है। नाउ यूज दिस फॉर्मूला, लेंथ इक्वल्स टू दिस, ब्रेथ इक्वल्स टू दिस। चलो पुट द वैल्यू एंड सॉल्व द इक्वेशन। टू मिनट्स, नॉट मोर देन दैट।
Yeah, wait. Again, other wills do. What is the answer? Fifty-eight and a half meter. That is the answer. Okay, let other do. Okay, very good. Sure. So, the perimeter of a rectangular field equals to 2 times length plus breadth. So, 16 half plus 12, 3 by 4. So, सबसे पहले उसको मैंने improper fraction में convert किया. So, it is 16 twos are 40. Yeah. टू दो वो टू कैसे हो सकता है? 16 12 तो है, तो 2 मीटर आंसर कैसे हो सकता है? काट रहे हैं या बड़ा ले? तो चले चले चले, लेट अस सी. सो 16 यहां तक ठीक है, चेक करते जाओ. So now next is 2 times 33 by 2 plus 51 by 4. ठीक है? Hara. Now what we'll do? अभी क्या करेंगे? हाँ, तो एलसीएम इज 4. तो ओके, तो ये 2 2, तो ये 2 ऐसा का ऐसा रहेगा, तो ये क्या होगा? तो 66 by 4. चलो फिर अभी क्या करेंगे? कितना आएगा आंसर? ओके, बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2. अभी क्या किया? 4 प्लस 4 किया. ओके चलिए, 117 by 4. नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 117 by 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो 117 by 2 कन्वर्ट टू मिक्स फ्रैक्शन. सो इट इज 58 whole half. सो आंसर इज द पैरामीटर. आंसर स्टेटमेंट लिखना भी जरूरी है. द पैरामीटर ऑफ द फील्ड इज 58 whole half meter. चलिए, लेट्स डू वन मोर. हाँ, या हाँ, ठीक है, ओके. या पर्ल, यू वाज आस्किंग समथिंग. पर्ल यू वाज आस्किंग समथिंग. ओके चलिए, सो कैपेसिटी ऑफ पार्किंग लॉट इज 48 cars. आपकी स्कूल की जो पार्किंग एरिया है उसमें 48 cars आ सकती है. अभी पीटीएम है, तो 7 by 8 ऑफ द पार्किंग इज ऑक्यूपाइड. सो कुछ एरिया कार से फुल हो गया है.
How many more cars can be parked in the parking lot? कितने कार्स और आ सकती है? हाँ कितना? और आ सकती है? वेरी गुड, लेट अस सी। ऑलरेडी कितनी पार्क्ड है? हाँ तो कितनी पार्क है? 42, 42 कार्स जो आया वो क्या है? अच्छा फिर गलती करते रहे अंदर। हाँ तो मैंने वो थोड़ा पूछा है, मैंने तो पूछा है हाउ मेनी मोर कार्स। आप जीतू भाई को क्या बोलोगे? भाई 42 कार्स आने दो। तो जीतू भाई को बोलेंगे भाई 6 कार से ज्यादा मत आने दो, 42 कार्स ऑलरेडी पार्क हो चुकी है। राइट, चलिए म्यूट। द कैपेसिटी ऑफ अ पार्किंग लॉट, म्यूट म्यूट म्यूट, इक्वल्स टू 48 कार्स। उसमें से 7/8 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, दैट मीन्स 7/8 ऑफ 48 कार्स आर ऑलरेडी पार्क्ड। सो 7/8 इनटू 48 ऑफ का मतलब, सो फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड विथ न्यूमर होल नंबर, तो इट इज 7/8 इनटू 48, सो इट इज 7 × 48/8, सो 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, सो 42 कार्स आर ऑलरेडी पार्क्ड। हाउ मेनी मोर कैन बी पार्क? तो 48 − 42, दैट मीन्स 6 कार्स कैन बी मोर पार्क। सो 6 कार्स के लिए जगह है, 42 पार्क कर चुके हैं। अच्छा 6 कार्स इज अ फ्रैक्शन ऑफ हाउ मच? पार्किंग एरिया का कितना फ्रैक्शन? जैसे 7/8 इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्क कार, उसी तरह 6 कार्स जो अवेलेबल स्पेस है, कितना अवेलेबल स्पेस है, कितना फ्रैक्शन में? तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पार्किंग एरिया अवेलेबल फॉर पार्किंग? क्या आंसर आएगा? हाँ, What is the fraction of parking area available for parking the car? 1/8. That is the one answer. Any other answer? तुम सुनाई नहीं देता है क्या? आंसर आप करो। Please tell me the fraction of parking area available as a free. Free या तो कितना parking area हम लोग available है parking के लिए? 1/8 कैसे आया? एट बाय एट को 7/8, तो ऐसे समझो ना, ये 7/8, प्लीज अंडरस्टैंड। म्यूट म्यूट म्यूट। सी 7/8 का मतलब क्या है? तो 7/8 का मतलब है 8 इक्वल
हाँ ठीक है, म्यूट करो। इज द इक्वल पार्ट्स, तो ये मैंने टू पार्ट्स किए, फिर मैंने ये 8 इक्वल पार्ट्स कर दिए पार्किंग एरिया का। सर्वम यू विल नॉट गेट द लिंक नेक्स्ट टाइम। हाँ माई क्लास इज गेटिंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ यू। सो 8 इक्वल पार्ट्स किया, उसमें से 7 पार्ट्स आर ऑक्यूपाइड, तो मैंने ये 7 पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर दिया। अभी मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, हाउ मैनी, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल एज अ फ्री, तो वन पार्ट अवेलेबल है। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ, टोटल कितने पार्ट्स है, तो 8, तो 1/8, दिस इज द अनदर वे। या तो फिर आप क्या करोगे, दिस इज माई होल पार्किंग एरिया, वन वन माइनस 7/8। नाउ 1 माइनस 7/8, तो 8 इज द एलसीएम, हियर इट इज 8/8, दैट मीन्स 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1/8। दिस इज द सेकेंड वे। थर्ड वे, टोटल पार्किंग कैपेसिटी इज 48 कार्स, अवेलेबल स्पेस इज फॉर 6 कार्स, दैट मीन्स 6/48, 6 1 जा 6, 8 6 जा, दैट मीन्स इट इज 1/8, दैट इज द अनदर वे, करेक्ट। सो कुछ ऐसे घुमा के भी पूछे तो भी वी शुड बी एबल टू आंसर। हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जरूरी नहीं कि हर टाइप के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करें। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम लोग कुछ भी पूछे फिर जवाब दे देंगे। चलिए लेट्स गो फॉर वन मोर। 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, 2/3, एंड 3/4 ऑफ दिस बॉयज आर प्लेयर्स, दे प्ले सम गेम, वॉट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेल प्लेयर्स। सो हमें जो फाइंड आउट करना है वो है मेल प्लेयर्स, यानी दे आर सपोज टू बी बॉय एज वेल एज, दैट मीन्स एंड दे आर सपोज टू बी प्लेयर्स ऑल्सो। सो बॉय एज वेल एज प्लेयर्स। चलिए लेट अस फाइंड आउट कैसे करेंगे। पॉल, या पॉल प्लीज से, अदर्स प्लीज म्यूट, या पॉल। ओके या विश्वास प्लीज टेल। हाँ सो हाउ टू गेट द आंसर, इट्स हाँ जस्ट वाई वेट सर्वम, 2/3 इनटू 3/4, सो इट्स अ फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टूडेंट्स हु आर सपोज टू बी बॉयज, सो 2/3, एंड उसमें 3/4 आर प्लेयर्स, सो मल्टीप्लाई बाय 3/4, सो इट इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/4, या तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, 3 3 गेट कैंसल, 2 2 जा 4, सो हाफ हाफ ऑफ आंसर क्या आएगा, हाफ तो आ गया बट उसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे।
आर मेल प्लेयर्स, नॉट प्लेयर्स, प्लेयर्स तो थ्री फोर है, न्यूज। नो नो, हाँ तो वो स्टूडेंट्स का पार्ट हो गया ना, बॉयज। थ्री फोर्थ तो, अरे भाई ये तुम जो बोल रहे हो वो तो यहाँ पे बोल दिया है, 3/4 बॉयज आर प्लेयर्स, ऑलरेडी बोल चुका है। आपको स्कूल में से पता करना है कि कितने बॉयज प्लेयर है। दैट्स व्हाई ये जो आंसर है या हाफ फ्रैक्शन, वो स्टूडेंट्स के मेल प्लेयर्स है, बॉयज प्लेयर्स है। चलो अभी म्यूट म्यूट म्यूट। हाँ नाउ माय क्वेश्चन इज, इसी को आंसर दीजिए, क्वेश्चन, हाउ मेनी गर्ल्स प्लेयर, बॉयज प्लेयर्स तो बोल दिया हाफ, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल प्लेयर्स, जा सोच के बोलो, ये कोई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है भाई। किसने बोला, सब सब लोग खेलते हैं क्या, सारे स्टूडेंट सारे क्या, अरे सारे प्लेयर्स है क्या, मैंने कहा किया है। चलो वेट 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 वेट, तो यू वांट कितने गर्ल्स खेलते हैं, चलो 5/6 ऑफ गर्ल्स प्लेज, दे आर प्लेयर्स, आउट ऑफ 6 5 गर्ल्स आर प्लेयर्स, तो आंसर क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स दे आर फीमेल प्लेयर्स, अरे 5 कैसे आएगा, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तुम समझते नहीं हो, सिर्फ मस्ती करते रहो, पर तुम गर्ल, अभी अभी देखो तुम्हारे नेक्स्ट टाइम स्कूल में क्या स्कोर आता है, वो जिस तरह से तुम पढ़ रहे हो। फाइव बाई नाइन, चलो कैसे आया समझाओ मुझे, आ रहा या वेट, आसी आ रहा। अच्छा पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या, वेरी गुड, तो वो ही, हाँ तो अभी ये जो फ्रैक्शन आया हाफ, हाफ ऑफ द स्टूडेंट यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट नाउ आई विल रिमूव, इफ यू डिस्टर्ब माय क्लास आई विल रिमूव, म्यूट, यू विल नॉट अनम्यूट विदाउट माय परमिशन, म्यूट मीन्स म्यूट, यू विल नॉट अनम्यूट विदाउट माई परमिशन। हाफ ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है कि जितने भी स्टूडेंट्स है उसमें से हाफ दे आर मेल प्लेयर्स, इसका मतलब बाकी हाफ हो सकता है मेल भी हो फीमेल भी हो, और जो मेल है वो प्लेयर्स ना भी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, सपोज आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट्स है,
तो उसका हाफ यानी 30, 30 ऐसे लोग हैं जो बॉयज भी हैं और प्लेयर्स भी हैं, बट बाकी के जो 30 है वो या तो गर्ल्स हैं या बॉयज हैं बट प्लेयर्स नहीं है। दे जस्ट वॉच, दे जस्ट डिस्टर्ब द क्लास, दे आर नॉट प्लेयर्स, दे आर द डिस्टर्बर। वो ऐसे 30 लोग हैं, जबकि ये जो 30 है, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर मेल प्लेयर्स, बॉयज, एंड कुछ गेम खेलते हैं, सीखते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बट ये बाकी के जो 30 है वो या तो गर्ल्स है, वन सेकेंड आई एम सेइंग, या तो गर्ल्स है या दे आर बॉयज बट नॉट प्लेयर्स, ऐसे लोग हैं, तब जाके आपका क्लास 60 का आता है। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछा कि कितने गर्ल्स प्लेयर्स है, दैट मींस ये 30 में कुछ बॉयज भी है जो प्लेयर्स प्लेयर्स नहीं है, तो उसकी बात नहीं करना है। अभी मुझे गर्ल्स की बात करनी है, और गर्ल्स में मुझे फाइंड आउट करना है कितने प्लेयर्स है, गर्ल्स प्लेयर्स, और वो क्लास से है, क्लास का मुझे फ्रैक्शन चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस, अगर इतना इंफॉर्मेशन है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स इन द बॉयज आर इन द स्कूल आर बॉयज एंड 3/4 ऑफ दिस बॉयज आर प्लेयर्स, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स आर फीमेल प्लेयर्स, ये आप विद दिस इंफॉर्मेशन आंसर नहीं दे सकते। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने किया, वेट 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 वेट, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने मुझे किया कि सर कितने गर्ल्स प्लेयर्स है, फ्रैक्शंस में क्या है, तो मैंने बोला आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 6, 5 गर्ल्स आर प्लेइंग, दैट मींस जो भी गर्ल्स है उसके जो फ्रैक्शन है, गर्ल्स प्लेयर्स के फ्रैक्शन वो 5/6 है। देन प्लीज फाइंड आउट व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर फीमेल प्लेयर्स। फीमेल प्लेयर्स, सो प्लीज फाइंड आउट दिस नाउ। हाफ तो मुझे मिल गया, हाफ आर द स्टूडेंट हु आर मेल प्लेयर्स। Now, please find out what is the fraction of students who are female players. Yeah, Ashi, please check. So, one answer is 5/9. Okay. Chalo, Arha, please ask. Okay, 5/9. Arha, what is the answer? 5/12. Chalo, 5/12. Then 5/9. चलिए, सो फर्स्ट हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, दैट मीन्स गर्ल्स आर 1 - 2/3, so 3 - 2/3, that means 1/3 are girls. So girls player equals to 1/3, या तो 5/6 are players. कौन? Girls. Out of 6, 5 girls are playing. So 5/6 of 1/3. So therefore it is 5/18 is the answer. 6 threes are 18. 12 कैसे आया?
फाइव बाय सिक्स आर द गर्ल्स हु आर प्लेइंग द गेम मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टूडेंट्स क्लास में गर्ल्स कितनी है तो 1/3 सो 5/6 इंटू 1/3 दैट मीन्स 5/18 अभी देखो इसी को आप समझो से 5/18 हमारा आया से हाफ तो हाफ सपोज 60 स्टूडेंट्स है बराबर या तो मैं थोड़ा बड़ा नंबर लेता हूं 180 लेता हूं ताकि डिवीजन आसान हो जाए 5/18 गर्ल्स प्लेयर्स तो 180 में से हाफ वन पहले तो या तो ऐसे बनाते हैं रुको 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 इरेजर लेके आ जाओ सो पहले हम लोग बनाएंगे से 180 होल क्लास या तो स्कूल है उसमें से 2/3 स्टूडेंट्स आर बॉयज तो बॉयज मैंने यहां पे लिखा यहां पे मैंने गर्ल्स लिखा सो बॉयज कितने हैं तो 2/3 तो 2/3 ऑफ 180 कितना हुआ हाँ तो 2/3 इन 180 तो 60 मीन्स 120 120 आर बॉयज करेक्ट तो गर्ल्स कितनी हो गई तो बाकी की गर्ल्स तो दैट मीन्स 60 1/3 बराबर 60 1/3 60 गर्ल्स नाउ आउट ऑफ 120 कौन है 120 बॉयज है 3/4 ऑफ दिस बॉयज आर प्लेयर दैट मीन्स प्लेयर्स नॉट प्लेयर्स तो प्लेयर्स आर 3/4 तो 3/4 ऑफ 120 हाउ मेनी क्या 120 3/4 इंटू 120 हाउ मेनी थर्टी थ्री 90 आर प्लेयर्स हु आर बॉयज एंड 30 आर प्लेयर नॉट प्लेयर्स या 30 आर बॉयज हु आर नॉट प्लेयर्स फिर उसके बाद देखो यहां पे आपने हाफ निकाला था आंसर तो हाफ ऑफ 180 कितना आया सो 90 आ गया ना 90 यहां पे 90 आर द बॉयज हु आर प्लेयर्स आ गया कि नहीं आ गया देन उसके बाद 60 गर्ल्स तो 60 गर्ल्स में मैंने क्या बोला था 5/6 आर द प्लेयर्स सो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं प्लेयर्स नॉन प्लेयर्स सो प्लेयर्स आर 5/6 इनटू किसका तो 60 का तो 6 10s आर दैट मींस 50 आर प्लेयर्स हु आर गर्ल्स एंड 10 आर नॉन प्लेयर्स हु आर गर्ल्स बट ये 50 किस में से तो क्लास से 180 में सो 180 का जो क्लास है उसमें पहले तो बॉयज 120 है गर्ल 60 है फिर आउट ऑफ 120 90 आर प्लेयर्स बॉय प्लेयर्स तो ऑब्वियसली प्लेयर्स बोल दिया तो आउट ऑफ बॉयज बोल रहा हूं ना सो दे आर बॉय प्लेयर्स 30 नॉन प्लेयर्स फिर जो 60 है उसमें प्लेयर्स आर 50 एंड 10 आर नॉन प्लेयर्स हमारा आंसर क्या आया था 5/18 से 5/18 फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स करेक्ट स्टूडेंट्स का फ्रैक्शन है तो यहां पे निकालो देखो 5/18 इनटू स्टूडेंट कितने हैं टोटल तो 180 सो मैंने 10 से डिवाइड किया सो इट इज 10 इनटू 5 दैट मींस 50 50 आर द स्टूडेंट्स हाँ ओके ओके सो 50 आर द स्टूडेंट बाय बाय
सो 50 आर द स्टूडेंट्स हु आर गर्ल एंड दे आर प्लेयर्स, दैट फॉर द फ्रैक्शन इज 5/18। समझ में आया मैंने क्या बताया? तो अगर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आ जाए तो वी कैन आंसर लाइक दिस। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नहीं, 5/18 आएगा। क्यों 5/9 नहीं आएगा? 5/18 क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो 5/6 आर दी प्लेयर्स। कौन? गर्ल्स। मल्टीप्लाई बाय टोटल गर्ल्स कितनी है? टोटल गर्ल्स? हाँ, अरे 5/6 आर द गर्ल्स हु आर प्लेइंग द गेम। या 6/6, कुछ भी बकवास करते हो। ये 2/3 स्टूडेंट्स है जो बॉयज है, तो गर्ल्स कितनी? तो फिर उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं भाई? ये गर्ल्स है कि नहीं? ये प्लेयर्स है, गर्ल्स प्लेयर्स, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा। क्या 2/3 के साथ मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो? बट तुमको किसने परमिशन दिया बोलने का? नहीं, तुम सिर्फ हैंड रेस करो, बोलोगे नहीं। अभी मैं बोलूंगा तभी तुम बोलोगे। हाँ बोलो, करेक्ट। ओके चलो, करेक्ट। सो लेट्स समराइज, कीप इन माइंड, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर न्यूमरेटर्स बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। चलिए, तो ये होमवर्क है, मैं अभी पोस्ट कर दूंगा इसमें ग्रुप में, आपको सबमिट करवाना है। टुडे इज 12 तारीख हो गया। कौन सा तारीख हुआ? 12। तो बाकी जो सबमिट करना है वो संडे को शाम तक, और ये सबमिट करना है आपको 17th मंगलवार शाम तक। मैं ये ग्रुप में डाल दूंगा। सो डू द प्रैक्टिस, नेक्स्ट टॉपिक मंडे, वी विल स्टार्ट विद डेसिमल्स। चलिए, एनी क्वेश्चंस ऑन फ्रैक्शंस? क्योंकि डिविजन्स आप में है नहीं, तो डिविजन्स हम लोग नेक्स्ट टाइम्स करेंगे, मतलब जब टाइम मिलेगा तब। फ्रैक्शंस का डिविजन्स? यस सर्वम। ओके चलिए, सो लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट मंडे विथ डेसिमल्स। बट संडे तक सब एक्सरसाइज आप सबमिट कर दो, और ये वाला एक्सरसाइज जो आज मैं पोस्ट करूंगा आप मंडे तक करना है, ठीक है? ट्यूसडे तक।